हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आदि एंड मॉम ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड घर में समर्स एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय तो क्या, बट समर्स में ऐसे होता है कि क्लोथिंग वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा पहनने को मिलता है विंटर्स के मुकाबले में। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज आजियो टॉप्स हॉल। सो इस हॉल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आजियो से मंगवाए हुए कुछ टॉप्स। मोस्टली मेरे पास 15 to 16 टॉप्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस हॉल का जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होने वाला है, बिकॉज एक ही हॉल में मैं सारे टॉप्स नहीं दिखा सकती, बिकॉज हॉल जो है बहुत लंबा हो जाएगा। सो इस हॉल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 to 6 टॉप्स जो कि होने वाले बहुत ही रीजनेबल। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, जो न्यूली एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी उसे वियर कर सकते हैं। साथ ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं वो भी इसको वियर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। अंडर 300 ही है वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है। वो कुछ इस तरह का टॉप है। सो आप देख सकते हो ये बेज कलर में है, और बेज या पीच कलर कह सकते हो इसको। और इस तरह का जो है ब्लू कलर से इस तरह की इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, आप देख सकते हो। गाइज, बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ बिकॉज दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। सो रात को मैं वीडियो बना लेती हूँ बच्चों के सोने के बाद, तो पीछे से ये भौंकने की गाड़ियों की आवाज़ें आती रहेंगी। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरह का दिखता है, और इसकी जो स्लीव्स है ये बलून स्लीव्स है, इस तरह का स्लीव्स है ये। यहाँ पे एक इलास्टिक लगी हुई है, सो ये बलून काइंड ऑफ शेप दे देता है आपके स्लीव्स में। और यहाँ पे बहुत इतना है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, सो बहुत ही परफेक्ट साइज़ है ये। और मुझे इस तरह के स्लीव्स ही पसंद आते हैं ज़्यादातर। और ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, और इसका जो नेक है वो राउंड नेक है इस तरह से, और नीचे इस तरह से सिंपल ही है। मैं इसको आपको वियर करके भी दिखा दूंगी। और जो मेरा साइज़ था गाइज वो है L, मतलब मेरे ना साइजेज आते हैं S, M, L, कोई भी साइज़ मुझे आ जाते हैं, सो मैं वो देख के लेती हूँ। सो आप अपने हिसाब से अपना साइज़ ले लेना, बिकॉज उसमें मेंशनड रहता है साइज़ चार्ट में, सो आप देख लेना उसमें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो कुछ इस तरह से है ये, और इसका जो फैब्रिक है वो है क्रेप मटेरियल। सो मतलब जो प्राइस वाइज तो मुझे ठीक लगा, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, गर्मियों में भी ठीक है। आप थोड़ा साइज़ एक ऊपर लेना, बिकॉज गर्मियों में क्या होता है कि इस तरह के जो मटेरियल के कपड़े होते हैं ना वो थोड़ा सा बॉडी हग करते हैं, चिपक जाते हैं। सो इसलिए आप एक साइज़ ऊपर ही लेना मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है, और कुछ इस तरह से है। मैं पहना हुआ आपको साइड में पिक डाल दूंगी। और इसका जो प्राइस था गाइज वो था 119 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। और इसको आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तब भी वियर कर सकते हो, अगर आप क्या कहते हैं उसको ऑफिस वियर में भी पहनना चाहते हो देन आप इसे ब्लू जीन्स हो गया, ब्लैक जीन्स के साथ भी बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। सो गाइज, जो सेकंड मटेरियल, जो सेकंड टॉप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह का टॉप है। ये इस तरह से है, ये लैवेंडर इन कलर है। सो कुछ इस तरह से, और नीचे से ना यहाँ पे ये टाई अप दिया गया है। सो आप इसको इस तरह से खींच के ना अपने वेस्ट साइज के हिसाब से टाइट भी कर सकते हो, लूज़ भी कर सकते हो। तो मुझे इसका ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। और स्लीव्स जो है कुछ इस तरह से है, मतलब आती यहाँ पर ही है ये, बट ये इस तरह से अटैच्ड है इस पर ना, तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक देता है। और जो नेक है इसका बोट नेक काइंड ऑफ डिज़ाइन है इसका, सो बहुत ही प्यारा लगता है। इसको आप वाइट फ्लेयर जीन्स होगी या फिर वेल बॉटम वाली जो जीन्स आई है ना आजकल, उसके साथ भी वियर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है वियर किया हुआ। ये कुछ इस तरह से है, लैवेंडर कलर का है, और इसका जो मटेरियल कॉटन एंड पॉलीएस्टर मिक्स है, सो गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सो आप इसे भी मंगवा सकते हो अपने लिए अगर आपको इस तरह का, बिकॉज जो लैवेंडर कलर होते हैं वो समर्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। सो आप भी डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें जो मेरा साइज़ था वो L है, मुझे इस तरह के टी शर्ट थोड़े लूज़ ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज मेरा जो साइज़ आता है वो S आता है या M आता है। ये कुछ इस तरह से है, और इसका जो प्राइस है गाइज मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी बिकॉज मुझे अभी याद नहीं है। सो या मैं इसका प्राइस साइड में मेंशन कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। सो यार ये था मेरा सेकंड टॉप। सो गाइज जो थर्ड टॉप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह का बेज कलर का टॉप है। मुझे इस तरह के कलर बहुत पसंद आते हैं। ये भी सेम फर्स्ट वाली टॉप की तरह इस तरह से इसमें इलास्टिक लगा हुआ है। सो यहाँ पे आपका बेल स्लीव्स बलून स्लीव्स वाला लुक देता है। ये कॉलर में है, मतलब शर्ट है, ये एक तरह से टॉप नहीं है शर्ट है। और इस तरह से क्रॉप भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से फिट आता है ये। और इस तरह से यहाँ बटन्स दिए गए हैं, बटन भी इसी शेड में दिए गए हैं, सो थोड़ा ऑड नहीं लगता है। और यहाँ पे पॉकेट भी दिया गया है। सो यार ये कुछ इस तरह का है। और इसका जो मटेरियल है गाइस वो पॉलिएस्टर मटेरियल है, और इसका ब्रांड है आउटराइट करके, और साइज मेरा है एल। सो कुछ इस तरह से दिखता है ये। मैं आपको वियर किया हुआ साइड में दिखा दूंगी। बेज कलर का है, और जो मतलब कैमरे में इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, बट सामने से अगर देखोगे तो बहुत ही सुंदर है ये। मैं पिक हो गया और वीडियो जो होगी मैं आपको साइड में दे दूंगी। सो इसका भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है गाइस। इसका प्राइस ओनली 239 रुपीज़ है। मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो इसको 500 से नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। सो या ये कुछ इस तरह का मटेरियल, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है। सो गर्मियों के लिए अच्छा है ये। पॉलिएस्टर है, बट आपके जो बॉडी है उसमें बहुत ही अच्छे से मतलब कि हग करेगा आपकी बॉडी को, और साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होने वाला है। सो कुछ इस तरह से है ये। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो अगर आपको पसंद आती है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल। सो गाइज जो फोर्थ टॉप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक ट्यूनिक टॉप है। प्रॉपर टॉप नहीं है ये, ट्यूनिक काइंड ऑफ टॉप है। बहुत ही सुंदर कलर है ये, मतलब कि कैमरे में रेड नज़र आ रहा है, बट ये थोड़ा सा ना पिंकिश और रेड मिक्स काइंड ऑफ कलर है। सो बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी जो स्लीव्स है उसमें इस तरह का ये वर्क दिया गया है, सिल्वर कलर का थ्रेड वर्क है ये। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखो आप। और कॉलर में भी इस तरह से नेक लाइन में इस तरह से ये थ्रेड वर्क से वर्क दिया गया है। और नीचे ये इस तरह से है, थोड़ा सा राउंड लुक दिया गया है इसको, राउंड में बहुत ही सुंदर लगता है। इसका मटेरियल भी आई थिंक पॉलिएस्टर है, और बहुत ही सुंदर लगता है। इसका जो ब्रांड है वो है सियाही टॉप्स। और ये रिलायंस और रिटेल लिमिटेड से है। सो बहुत ही सुंदर आया है ये, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। आप इसको ना क्या कहते हैं उसको, प्लाजो हो गया उसके साथ, और लूज़ पैंट्स होती है ना उसके साथ भी वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल था गाइज। इसका प्राइस मैं आपको साइड में शेयर कर दूंगी, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। सो ये कुछ इस तरह से है। और मेरा जो साइज़ है गाइज इसमें एस है। सो मैं आपसे कह रही थी ना कि मेरा कभी एल आता है, एम आता है, किसी में एस आता है। सो यार ये एस साइज़ है। सो गाइज जो नेक्स्ट टॉप है, अब जो भी टॉप्स आएंगे ना वो थोड़े बेसिक्स में आएंगे, कि अगर उसको आप रेगुलर बेसिक में भी पहन सकते हो, रेगुलर बेसिस में भी पहन सकते हो। सो उस तरह के टॉप्स आने वाले हैं आगे जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यार जो नेक्स्ट टॉप है वो कुछ इस तरह का है। इसे आप पाउडर ब्लू भी कह सकते हो, स्काई ब्लू भी कह सकते हो। मुझे ना इस तरह के प्रिंट, जो ग्राफिक प्रिंट्स रहते हैं ना, इस तरह के टाइपोग्राफिक या ग्राफिक प्रिंट्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जिसे कहते हैं मेरा स्टाइल है। सो या ये कुछ इस तरह से है। और इनके जो प्राइजेस थे ना गाइज बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, मतलब 100-150 से ऊपर नीचे का ही है। सो इसका जो प्राइस है मैं आपको साइड में शेयर कर दूंगी, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और कलर्स इसमें बहुत सारे अवेलेबल थे, सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो ये जो है ब्रांड, ये DNMX का ब्रांड है। इसके मैंने पहले भी बहुत सारे टॉप्स मंगाए हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। और ये कुछ इस तरह के स्ट्रेट फिट में है, बहुत अच्छा है मतलब, और मुझे इस तरह के ही अच्छे लगते हैं। और समर्स में इस तरह के कलर ही ज़्यादा खिलते हैं, थोड़े ब्राइट कलर्स आपको समर में वेयर करने चाहिए, जिससे कि बहुत ही सुंदर लुक आता है। साथ के साथ समर्स में
ब्राइट कलर कुछ अलग ही तरह का लुक दे देता है। सो या कुछ इस तरह से है, ये पाउडर ब्लू या ब्लू कलर का है और इस तरह का ये प्रिंट दिया गया है बीच में। और जो मेरा साइज़ है गाइज, इसमें एम है, इसमें साइज़ सारे अवेलेबल थे, सो आप चेक कर सकते हो। और इसका मटेरियल कॉटन है, बहुत ही सूदिंग है। वैसे भी समर्स में कॉटन मटेरियल के कपड़े बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। सो या गाइज, ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो आप डेफिनेटली इसे भी बाय कर सकते हो अगर आपका टेस्ट मेरे हिसाब का है तो। सो या कुछ इस तरह से है ये। सो या इसका प्राइस मैं आपको साइड में शेयर कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नेक्स्ट टॉप है गाइस, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। सो ये है वाइट कलर का और इसमें इस तरह के ना स्प्रिंग फ्लावर्स जो होते हैं इस तरह से बने हुए हैं। फ्लावर्स के साथ साथ ना इसमें कुछ इस तरह के पतले पतले जो बीड्स होते हैं ना उससे वर्क दिया गया, बहुत सुंदर लगता है ये वेयर किया हुआ। बहुत ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मटेरियल है ये। कॉटन और आई थिंक पॉलिएस्टर मिक्स है, तो इस तरह से बहुत ही, मुझे इस तरह के मटेरियल के टॉप जो होते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगते हैं। सो ये कुछ इस तरह से है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ये क्रॉप है बट उतना क्रॉप नहीं है कि आपको मतलब कि इतना नहीं आएगा, ये वेस्ट लेंथ तक आएगा। सो अच्छा लगता है वेयर किया हुआ। सो ये कुछ इस तरह से है और इसकी स्लीव्स हाफ स्लीव्स है। तो इसका जो ब्रांड है गाइस वो भी आउटराइट ही है, इसका बिलीव इन योर सेल्फ हाइप आउटराइट करके इसका जो ब्रांडिंग करी गई है यहाँ पे कॉलर लाइन में। और इसका जो नेक है वो आपका राउंड नेक है, सो बहुत ही कंफर्टेबल है वियर करने में। मैंने इसको वियर करके देखा है, बहुत ही अच्छा है, बॉडी हग बिल्कुल नहीं करता, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है आपके बॉडी को। सो आप डेफिनेटली इसको मंगवा सकते हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। जो आजकल का फैशन चल रहा है ना, लूज़ लूज़ टी शर्ट्स, लूज़ लूज़ पैंट्स, तो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें मेरा साइज है गाइज एस और इसमें साइजेस सारे अवेलेबल थे, सो आप डेफिनेटली इसको मंगवा सकते हो। इसका एक्चुअल प्राइस 599 रुपीज़ है और जो डिस्काउंटेड प्राइस है जिस जो मैंने लिया है जिस प्राइस में, वो मैं आपको साइड में शो कर दूंगी। सो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो और क्या कहते हैं उसको, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप वहां से चेक कर सकते हो। सो या गाइस, ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। लास्ट प्रोडक्ट है गाइस, वो भी एक टी शर्ट ही है और बेसिक टी शर्ट्स है। मुझे बेसिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ज़्यादा मतलब ऐसे चड़क भड़क टी शर्ट से ज़्यादा मुझे बेसिक टी शर्ट ही पसंद आते हैं। सो या कुछ इस तरह से है, ये पीच कलर का है और इस तरह का ये साइन बना हुआ है, इसमें टाइपोग्राफिक प्रिंट है। और इसका जो ब्रांड है DNMX है, DNMX के ज़्यादातर बेसिक टी शर्ट्स ही आते हैं मैंने जिस हिसाब से देखा है, और मुझे इस ब्रांड के टी शर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं स्टार्टिंग से। सो ये पीच कलर का है और इसमें इस तरह का कुछ प्रिंट दिया गया है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है वियर किया। पीच कलर मेरे में बहुत ही ज़्यादा खिलता है, जो कि मुझे लगता है पीच एंड वाइट कलर। सो या कुछ इस तरह का है ये। और इसका जो मटेरियल है कॉटन मटेरियल है, गर्मियों में कॉटन मटेरियल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सो आप डेफिनेटली इसे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है वियर किया। मैं वियर की हुई आपको सारी पिक्चर्स या वीडियोज़ वगैरह साइड में शेयर कर दूँगी। और जो इसका प्राइस है गाइस बहुत रीज़नेबल था, वो भी मैं आपको साइड में शेयर कर दूँगी और लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और इसमें मेरा साइज़ एम था, इसमें सारे साइजेस अवेलेबल थे, सो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सो या ये कुछ इस तरह का है। सो या गाइज, ये था मेरा आजियो टॉप हॉल पार्ट 1। सो पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर और भी टी शर्ट्स, टॉप्स, शर्ट्स जो मैंने मंगवाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड जो ये वाली वीडियो है इसको प्लीज़ बहुत सारा लाइक देना, प्यार देना और साथ के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, जितनी भी आप लोगों ने देखी आई होप आप लोग इस वीडियो को इंजॉय करेंगे। एंड मेरे जो भी टॉप्स वगैरह मंगाए हैं उसके सजेशन के हिसाब से आप अपने लिए भी कुछ
मंगवा लेंगे। सो या अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊँगी आगे फ्यूचर में। सो या इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों का, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना मेरे को भी और इस वीडियो को भी। सो या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।